अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू ऑटोकैड ट्यूटोरियल। व्यूअर्स, टुडे द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाउ टू मेक 3D टेबल इन ऑटोकैड। वी विल मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, जैसा कि मैं आपके सामने करता हूँ। आर ई सी एंटर, रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। अब आपने इसके फोर कॉर्नर्स के ऊपर स्मॉल रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, जो कि बेसिकली आपकी टेबल को की जो सपोर्ट्स हैं वो शो करेगा। उनके बाद में एक्सट्रूड करेंगे तो आपकी हमारी जो टेबल है उसकी सपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा उसको। तो आर ई सी एंटर, इसके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे आप, और स्केयर भी बना सकते हैं और रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर स्केयर बना लेते हैं, हमने स्केयर बना लिया। इसी को हम कॉपी करेंगे और बाकी कॉर्नर्स पे मूव कर देंगे। सी एंटर, एम एंटर, इस पॉइंट से लेंगे इस पॉइंट पे, देन ये एग्जैक्टली नहीं आया, इसको हम दोबारा ले लेते हैं। इसको कॉपी करेंगे, सी एंटर, एम एंटर, इस पॉइंट को इधर लेंगे, इसको लगा दें, एस्केप करेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने जो स्मॉल रेक्टेंगल है, उस स्केयर है सॉरी, उसको हमने फोर कॉर्नर्स के ऊपर फिक्स कर दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने एक ऑफसेट लेना है। मैंने अपने ऑटोकैड की जो सेटिंग्स हैं उनको उसको फीट में चेंज किया हुआ है। आप के पास, आपको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी कर सकते हैं, इंचेस में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे फीट के हिसाब से मेजरमेंट बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे ऑफसेट लेना है 20 फीट का। ये जो आपके पास रेक्टेंगल, इस पर क्लिक करेंगे और बाहर आप 20 फीट का ऑफसेट ले लेंगे। अब आपने क्या करना है, अपने व्यू पॉइंट चेंज करना है। व्यू पॉइंट चेंज करेंगे, अपना एसडब्ल्यू आइसोमेट्रिक में चले जाएंगे। एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक में जाने के बाद आपके पास ये जो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ की थी कॉर्नर के ऊपर, इनको आपने एक्सट्रूड करना है। आप सिंपल क्लिक करेंगे, जितने फोर रेक्टेंगल्स हैं क्लिक करेंगे आप, ई एक्स टी इंटर, एक पॉइंट लेंगे, और अब आपने कितना एक्सट्रूड करना है, फीट के अंदर आपने इसको 500 एक्सट्रूड करना है, 500 फीट। सो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको 500 फीट एक्सट्रूड कर दिया है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, यहाँ पे आपने जो आप ऊपर एक अपनी टेबल का, जिसे आप फ्रेम कहते हैं, उसको आपने किसी सपोर्ट के ऊपर लाए करवाना है। तो आपने बेसिकली, अगर मैं इजी वर्डिंग में कहूँ तो आपने इन पॉइंट्स के ऊपर बीम प्रोवाइड करना है। अगर सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप बीम प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, आर ई सी एंटर, इस पॉइंट से लेंगे इस पॉइंट तक रेक्टेंगल, इसी तरह बाकी में हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, आर ई सी एंटर, और लास्ट में इस पॉइंट को भी हम सेम इसी तरह इस पर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब आपने इसको एक्सट्रूड करना है, इस पर क्लिक करेंगे, माइनस प्रेस करेंगे, और हम इसको 20 फीट, सॉरी, हम इसको 50 फीट एक्सट्रूड करेंगे। एक्सटेंडर, एक्सटेंडर, माइनस प्रेस करेंगे और 50 फीट, ये मैंने इसको 50 फीट एक्सट्रूड किया। सेम इसी तरह बाकी अपने जो रेक्टेंगल बनाई है उनको भी एक्सट्रूड करेंगे आप। एक्सटेंडर, माइनस 50 फीट, 50 फीट सेम एज, एक्सटेंडर, माइनस 50 फीट, और लास्ट में हमारे पास है एक्सटेंडर,
-50 फीट। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने जो हमारे टेबल का फ्रेम आएगा उसके नीचे वो किस सपोर्ट, उसके ऊपर नीचे कोई सपोर्ट भी तो आएगी वो इसके ऊपर लाया करेगा, तो मैंने वो उसका सपोर्ट बना लिया। तो अब हम इसको शेड करके देखते हैं कि वाकई हमारी जो टेबल है वो सही बन रही है या नहीं बन रही। हम इसको शेड करेंगे, सचेटी शेड। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक स्ट्रक्चर है वो बन चुका है टेबल का। अभी सिंपली हम इसको, इसके ऊपर हमने जो इसका, जिसे आप सिविल इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में स्लैब कहते हैं, हमने इसके ऊपर एक वुडन फ्रेम इसका वो देना है इसको, तो वो हम इसके लिए बना लेते हैं। व्यू पॉइंट चेंज करेंगे। अब आपने इसके ऊपर जो इसका वुडन फ्रेम बनाना है उसके लिए आप क्या करेंगे, ये आपके पास जो आपने एक्स्ट्रा ऑफसेट लिया था इस पर क्लिक करेंगे और इसको एक्सट्रूड कर देंगे। इस पे कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है, आप इसको कुछ इंचेस का या कुछ फीट का एक्सट्रूड कर सकते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और मूव कर लेंगे, सी ओ एंटर एम इंटर, और इसको हम किसी एक पॉइंट से लेंगे, इस पॉइंट से लेंगे और एग्जैक्टली हमारा ये पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पे फिक्स करते हैं। मैं इस पे फिक्स कर दिया, एस्केप प्रेस करेंगे। अब व्यूअर्स हम इसको शेड करके देखते हैं, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे CHASHAD शेड। शेड हमने किया और इसको हम नीचे से डिलीट कर देते हैं, ये हमने इसको डिलीट कर दिया। सो व्यूअर्स, ये हमारी टेबल बन चुकी है। अब इसके अंदर कुछ हमने नीचे जो फुट रेस्ट है वो बनाना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। उसके लिए आप REC एंटर करेंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ये रेक्टेंगल ड्रा कर ली, ये XT करेंगे, इसको हम एक्सट्रूड करेंगे। इसको हमने एक्सट्रूड कर दिया, सेम इसी तरह यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे आप, इसी को हम कॉपी करके CO एंटर एम इंटर इस पॉइंट से इसको लेंगे और एग्जैक्टली जो है इस पॉइंट पे फिक्स कर देंगे। लास्ट लास्ट में हम यहाँ पर इसके मिडल में एक फुट रेस्ट देंगे, REC एंटर यहाँ से लेकर इसको हम EXT इंटर इसको एक्सट्रूड करेंगे, ना एक्सट्रूड करेंगे जो हमारे पास लास्ट में पॉइंट है, ये हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया। ओके व्यूअर्स, अभी मैं आपको इसका स्क्रीन कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं, जैसे कि हमारी जो फ्रेम है ऊपर वुडन फ्रेम, उसको हम यहाँ से ब्राउन कर देते हैं, ये एक कलर सेलेक्ट करेंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसको हम ब्राउन कलर दे देते हैं, ओके करेंगे, ब्राउन कलर आ गया। इसको हम बाकी हमारे पास जितनी भी सपोर्ट्स हैं इसकी, इसको हम वाइट दे देते हैं, ताकि इसको वाइट दे दें, इसको भी यहाँ से वाइट कर देते हैं। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि 3D के अंदर हमारी जो टेबल है वो बन चुकी है। व्यूअर्स, मैंने कोशिश की है आपको सिंपल, इजी से इजी तरीके से मैं ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो मुझे